ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के गांधी चौक पर अखिल भारतीय परिषद ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हमीरपुर जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित प्रदर्शन में हमीरपुर सुजानपुर भोरंज इकाई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर छात्रों के हितों की अनदेखी न करने और मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख मांगों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को समय पर घोषित करना, छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल करना, शिलान्यास का पत्थर रख देने से केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू करना, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सों की फीस कम करने आदि शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रदेश सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को और तेज करेगी। हमीरपुर में एबीवीपी के राज्य सचिव राहुल राणा ने प्रदेश सरकार पर छात्रों के हितों की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए हैं और चेतावनी दी है कि अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किए जाएंगे। राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार पर शिक्षा विभाग केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है और धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार छात्र संघ चुनावों को बहाल करे और छात्र हितों का काम करे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फरवरी महीने में कॉलेज स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब तक परिषद जिला महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय शिमला पर्चा वितरण हस्ताक्षर अभियान कर चुके हैं। आज भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला केंद्रों पर धरने प्रदर्शन कर रही है और इस धरने प्रदर्शन के आज प्रदेश सरकार की किस तरह से छात्र विरोधी नीतियां हैं, आज किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के बोले बोले लोगों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश तकनीकी विद्यालय अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विद्यालय के नाम पर आज तक स्थायी बजट का प्रावधान इस सरकार ने क्यों नहीं किया, क्यों आज शिक्षा मंत्री अभी तक भी ढकोसलेबाजी करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने में कितना योगदान है ये आज बहुत बड़ा प्रश्न जिन तकनीकी शिक्षा मंत्री के ऊपर खड़ा होता है। क्यों आज तक इस विद्यालय में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियां नहीं होती है, क्यों इस विद्यालय में आज स्थायी बजट का प्रावधान क्यों नहीं होता है, क्यों आज इस तकनीकी विद्यालय में सर फाइनेंस के बोर्ड पर ही नाम चलाए जा रहे हैं, किस तरह से किस प्रकार से एक गोरख धंधा छात्रों को लूटने का इस संस्थान में बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज पूरे प्रदेश में। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है जिसमें स्थायी निर्माण को लेकर विद्यार्थी परिषद कर रही है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज ये महाविद्यालय से उठकर सड़कों पर है क्योंकि उन सरकार द्वारा छात्र विरोधी नीतियां किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से लूटने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आईसीडीओ की फीस बढ़ती जा रही है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार नाकामयाब रही है और नाकामयाब रही है और ये प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन नाकामयाब रहा है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद की मांग है कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों को माना जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद अपना असल रूप लेगी और इससे भी बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ इस विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जो है खड़ा करने का काम करेगी।